2024 का चुनावी समर शुरू हो गया है और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार हर शहर में जा रही है, लोगों के मन मस्तिष्क को टटोल रही है कि आखिर उनके मन मस्तिष्क में किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए चल क्या रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां भी तमाम सारे दौरे और आयोजित कर रही हैं। अब मेरे ठीक पीछे बगल में एक मंडप है जिसमें मायावती यहाँ आएंगी। मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और एक ऐसा चौक है जहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर तरीके के लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और या फिर बसपा को क्या यहाँ पर किसको कितनी समर्थन है, कितना जन समर्थन है, सारे सवाल होंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन सवाल इस बात का है कि जमीनी हकीकत है क्या, और यही जानने के लिए भारत एक्सप्रेस आज मुजफ्फरनगर में है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ ये लाल टोपी पहने भाई साहब, माहौल क्या चल रहा है आपका? हमारा तो माहौल अच्छा है, जनता के बीच से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके नेता अपना विश्वास खो चुके हैं और रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा बिजली पानी रोजगार इन तमाम मुद्दों के नाम पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बहुत मजबूती सरकार बनने जा रही है, तमाम सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार प्रहार कर रहे हैं, कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी को एक बार गिरमान भी झांकना चाहिए। अभी BOC के अंदर 3 लोग पकड़े गए जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग थे और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो। अरे माफिया को मिट्टी में मिला, मैं बता रहा हूँ। ब्रजेश सिंह जी की शायद अभी जमानत की खबर आई है कि होने जा रही है, उनका भी रिकॉर्ड देखना चाहिए। वो 52 नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास सैकड़ों सैकड़ों मुकदमे हैं, जिनकी सूची मेरे पास बहुत लंबी है, उन नेताओं की भी जानकारी योगी जी को रखनी चाहिए। और आज चारों ओर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा जनता कर रही है, निश्चित है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बात करते हैं कुछ और लोगों से बात। आप ये बताइए कि आप एजेंसियों पर क्यों सवाल उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं इनके सांसद 10 एजेंसियां तो आज से नहीं है ना, जरा मैं सुन लीजिए पहले मेरे सवाल। एजेंसियां आज से नहीं है, एजेंसियां पहले से हैं, पहले से जांच होती है। CBI के आंकड़े आपको मैं बताता हूं, CBI के आंकड़े आपको बताता हूं कि विपक्ष के नेताओं पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते है? पहली बात तो आप लोग जब भी बात आती है मेहनत करने के बजाय, ग्राउंड में लोगों से मिलने के बजाय एजेंसियों पर सवाल। मैं आपको बताता हूँ सवाल क्यों उठाते हैं। इनका सांसद 10 साल से यहाँ पर है और भाजपा वालों के पास 10 काम सांसद जी के बताने के लिए ने 10 साल में। इनकी असफलता और जनता के विरोध के चलते हरेंद्र मलिक जी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ सकते हैं, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग राय रख रहे हैं, सपा के लोग अपने और राष्ट्रीय लोक दल के लोग भी अलग अपने राय रख रहे हैं, बसपा के लोग भी हैं, सारी पार्टियों के लोग, लेकिन आम समर्थक भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग राय रख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये सवाल फिर से वही मौजूद कि आएगा कौन, किसकी सरकार बनेगी और मुजफ्फरनगर में किसका झंडा लहराएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल रह गया था सपा के, बताइए आप बोलिए। मैं आपको बता रहा था सांसद जी के बारे में सवाल पूछते हैं कैसे भाजपा के लोग बुखला कर हु यहाँ पे करने लगे, आपने देख लिया तो ये हार की बौखलाहट है। और तय बात है 10 काम भी एक नहीं बता सकते। आज जनपद की सारी सड़कें पूरी तरह गड्ढे में विलीन थी, गुंडई मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से मिलेगा। सर किसान आंदोलन का गढ़ मुजफ्फरनगर रहा है, किसानों, व्यापारियों, नौजवानों, छात्रों, हर वर्ग जाति समाज का वोट हरेंद्र मलिक जी को इस सीट पर मिल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर से भाजपा का सुपड़ा साफ होना। चलिए ठीक है आपका जवाब, अगर आप बहुत अच्छे थे तो आपको समर्थन क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं क्योंकि विपक्ष का स्टैंड पूरी तरह से नहीं जा पाया, बहुत कम विपक्ष को समय मिला। मेरा निवेदन है 2 मिनट मुझे दीजिए। आज अनाप शनाप बातों के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इन बातों के माध्यम से 6,060,51,00,000 का इलेक्ट्रोल कोड वोटाने को छुपा लेना चाहते हैं। फिर वही बात, फिर आप कंफ्यूज मत करिए, आप कंफ्यूज मत करिए, गलत बयान नहीं, मैं ये गलत बयान नहीं। देखिए मैं इसका जवाब दूंगा, बात के तथ्यों के साथ साबित करूंगा। ये लगातार अनाप शनाप बातों से उन प्रचार लीक की बातों को छुपा देना चाहते हैं। जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली, अपनी डिग्रियां चला दी, उसको छुपा देना चाहते हैं। NCERB के डाटे में महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चला गया, उसको छुपा देना चाहते हैं। ठीक है, सब ठीक है। अब एक लाइन आप सब जगह एक मिनट मेरी, अरे मेरी बात सुनिए, अरे भाई मेरी बात सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप पहले मेरी पूरी जानकारी दीजिए। जो मुजफ्फरनगर के अंदर राजपूत समाज ने आज इनको नकार नया काम कर दिया, किसान समाज ने नकार नया काम कर दिया, व्यापारी समाज ने नकार नया काम कर दिया, इनके कार्यालय के बाहर महिलाएं, आपने बोल लिया, भाषण नहीं। अब ये बताइए आप मुझे, अरे अब मुझे ये बताइए मेरे सवाल का, भाई 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 एक्शन, आपने इतने मुद्दे, अरे सुनिए आपने इतने सारे मुद्दे गिना दिए, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक,
जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? जनता ही तो है, आज का चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है। जनता कह रही है हमारे नौजवानों को लाठियां क्यों मारी गई, जनता कह रही है कि हमारी महिला। एक मिनट, अब मैंने आपकी सुनी, समाज आपको बहुत टाइम दिया, समाजवादी ना बहुत।